हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरे एम्स दिल्ली की जो विजिट है उसका वीडियो रेडी कर लिया है और होप सो गाइस मैं अब इसको जल्द ही अपलोड भी कर दूँगा। पर मैं यहाँ पे आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ बात कि मैं जिस भी जगह गया, चाहे वो रेलवे स्टेशन था, चाहे वो मेट्रो था या एम्स दिल्ली, मैंने जो भी वर्क किया है, कोई वीडियो बनाई है, कोई फ़ोटो लिया है, तो उसको सबसे पहले वहाँ परमिशन लेके फिर बनाया है। ठीक है, रेलवे स्टेशन पे मैंने अधिकारियों से पूछा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, साइड में खड़ा हो सकता हूँ। ठीक है, काफ़ी एक अच्छे और ध्यान दीजिए पूरी प्रोटेक्शन के साथ मैंने ट्रेन के पास अपनी फ़ोटो ली है, वीडियो बनाई है। ओके, ऐसे ही मेट्रो पे मैंने वहाँ पूछा और एम्स दिल्ली में तो देखिए सीधी सी बात है, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में तो खासतौर पर वीडियो और फोटो बिल्कुल भी अलाव नहीं है। फिर भी जहाँ कंफर्टेबल हो सका उन्होंने वहाँ के अटेंडेंट से मेरी काफ़ी हेल्प की और फोटो भी खींची। ठीक है, जो आप देख सकते हैं वीडियो में। और गाइस वीडियो काफ़ी अच्छा बना हुआ है विजिट का और मैं स्पेशली एम्स दिल्ली के जो एनाटॉमी के HOD हैं उनको काफ़ी बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहता हूँ भाई। सच में बहुत उन्होंने काफ़ी अच्छे से पूछा, बहुत अच्छे से वेलकम किया और वो भी जैसे हमने हमारा इंट्रो दिया हमारे कॉलेज के कारण, MAMC अग्रवा महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, हमारे बारे में पूछा उन्होंने, हमारा डिपार्टमेंट कैसा है कुछ जानकारी ली, काफ़ी अच्छे से डिस्कशन हुआ। फिर उन्होंने मुझे एम्स दिल्ली का एनाटॉमी डिपार्टमेंट देखने की परमिशन दे दी और वहाँ के अटेंडेंट ने काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ बताया और मुझे भाई इतना अच्छा लगा, लाइक कि लेवल खुशी का काफ़ी हाई था। सो वंडरफुल, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता एंड सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और गाइज अब जो वीडियो बन चुकी है उसको आप लोग अच्छे से देखिए और मुझे जहाँ तक लगता है आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आप लोग जिसका भी सपना है एम्स दिल्ली तो वो काफ़ी अच्छी मेहनत कीजिए और जल्दी से सेलेक्ट होकर नीट को टॉप करके 700 नंबर कम से कम चाहिएंगे, 720 में से अगर आप एम्स दिल्ली जाना चाहते हैं। ओके, तो भाई सबको बहुत बड़ा थैंक यू वेरी मच एंड नाउ सी द वीडियो एंड एंजॉय। नमस्कार, आज मैं अपनी लाइफ का पहला मेडिकल ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम स्पेशली हमारे हम सब के एवरी नीट एस्पिरेंट के जो सपनों का कॉलेज होता है, गैस डेफिनेटली एम्स दिल्ली की यात्रा करेंगे। ओके, मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ मैं गया, कहाँ पे हमने क्या क्या किया इन द एम्स दिल्ली। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हिसार का रेलवे स्टेशन कैसा है। देखिए भाई, यहाँ पे पार्किंग है जो कि काफ़ी शानदार और अब की बार बहुत अच्छी खासी अरेंजमेंट ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो पैसेंजर्स को। तो आप लोग भी जब भी आए यहाँ पे अपनी सुविधाओं का, यहाँ की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन। अब ये कह रहे कि जो हिसार से दिल्ली जाएगी ट्रेन वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आती है। ठीक है, तो एवरीवन के लिए कि हम जो भी करेंगे उसमें आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अभी आ रहा हूँ अपनी टिकट के विंडो की तरफ जहाँ पे हम हमारी टिकट लेंगे। ओके, तो जो भी आएगा तो वो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ ऐसे वो टिकट बुक करवा सकता है। ओके, अभी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सुविधा बढ़ा दी गई, काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट और आप लोग भी वही अच्छे सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, बीच में से रेलवे क्रॉसिंग बन गई। ओके, अरे चलिए क्या बात है, स्टार्टिंग ऑफ जर्नी, स्टार्टिंग जर्नी, देखिए बड़ा नीचे भी देख लीजिए भाई कैसे चलती है। क्या बात, आप लोग भी जब भी आएँ तो अपनी टिकट लें और गुरुद्ध आप उनकी सवारी करें भाई, काफ़ी शानदार ट्रेन है और एक ट्रेन से दूर रहे
देखिए हर प्रकार से हमें ना एक लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमेशा एक कोशिश करनी चाहिए। ओके चलिए अब हम सवार होते हैं हमारे ट्रेन में और हमारे टिकट के साथ। ये बात गुड्डे वगैरह की ध्यान रखना, ठीक है, धीमे धीमे अपने एनर्जी को बचाते हुए ज़्यादा एक्साइटेड मत हो और वर्क कीजिए जो आपको एक लाइफ के अलग ही बचा सकता है। ठीक है यहाँ पर देखिए वहाँ पर लग रहा है चलिए हम सवार करते हैं और टिकट में देखिए आप तो अभी पहले हम सवारी करते हैं। ये ओपनिंग देखिए काफी प्राइवेट है। ये बात ओपन ऑटोमेटिक। चलिए भैया रुक गए थे दिस इज माय रूम इन द ट्रेन एंड दिस इज सो लक्जरियस घूमे थारे जैसा ना कोई ना तो हंसना रुमानी नमस्कार। तो आज भाई हम एम्स के लिए रवाना हो चुके हैं और एम्स को अच्छे से विजिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी मेट्रो स्टेशन पे हूँ, आप लोग भी देखिए कि मेट्रो कैसे आ रही है लाइक दैट। पे यहाँ से आएगी मेट्रो एम्स के लिए ये बात। तो होप सो गाइस आज का दिन काफ़ी एनर्जेटिक मस्त
देखते हैं कितना आश्चर्यजनक रहता है। लेट्स डू एंड मेक समथिंग। मेट्रो से जस्ट एम्स मेट्रो पे पहुंचे हैं। लेट्स सी, अभी हम चलेंगे एम्स दिल्ली की तरफ। तो पहले हम पहुंचे हैं सबसे पहले यहाँ पे गेट नंबर 5 एम्स के, देख लीजिए और पास में ही गेट नंबर 5 के यहाँ पे हमारा वर्धमान महावीर कॉलेज और साथ में एम सफदरजंग हॉस्पिटल, यही है भाई जगह का। बस लाइफ में पहली बार एम्स दिल्ली, ये This is main gate of AIIMS Delhi. दोस्तों मेरे सपनों का कॉलेज आपके सपनों का भी होगा, इट इज AIIMS Delhi। देखिए आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसका मैन गेट वे पॉइंट है। अभी मैं एम्स दिल्ली गेट देखने जा रहा हूँ, गणित अब मैं एम्स दिल्ली आया हुआ हूँ। तो जो मेरा सपना था कि मैं कम से कम एम्स दिल्ली जाता एंट्री पॉइंट पे 3 फ्लिप लगाऊं भाई, तो आज वो सपना मैं मेरा पूरा करने जा रहा हूँ। ठीक है तो चलिए देखिए भाई। AIIMS Delhi guys, मेरे सपनों में बोले हे गाइस, जस्ट जो बिहाइंड मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये है जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम एम्स दिल्ली में। ठीक है देखिएगा, उसके बाद इन दिस साइड ये आपका आ जाता है एकेडमिक पार्ट। ठीक है ये है कन्वर्जेंस ब्लॉक, इसी में अपना एनाटॉमी का डिपार्टमेंट है जहाँ पे DH में स्पेशली देख के आया हूँ अभी अभी। ओके तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, आई थिंक जो हम सोचते हैं ना वो सम टाइम उससे भी ज़्यादा हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? काफ़ी अच्छा, और देखिए सर ये बार इमरजेंस की बिल्डिंग भाई साहब काफ़ी शानदार, मज़ा आ गया भाई मुझे तो इस बिल्डिंग में सच में।
काफ़ी शानदार, और जो एक्सपेक्टेशंस मैंने की थी दे आर सच में कवरिंग अप। ये देखिए भाई साहब, सुहाना हो चुका है, काफ़ी शानदार, कोई गर्मी नहीं है जैसा पहले लग रहा था, पर एट प्रेजेंट टाइम काफ़ी अच्छा है। लेट्स सी, यहाँ पे है हमारे एनआरबी डिपार्टमेंट, यानी एनआरबी डिपार्टमेंट का डीएस। गाइस यहाँ पे है हमारे एनआरबी का डीएस डायसेक्शन हॉल, गौर से देखिए इस बिल्डिंग। अरे यार कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ जहाँ सब ये बात, वो काफ़ी शानदार डीएच है भाई, कहना पड़ेगा सच में। ठीक है, जिसका एंट्री पॉइंट यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से आप इसके अंदर जाके देख सकते हैं। दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा बाहर तक, लाइक दैट। के बैक की साइड है, भीड़ है भाई, साइड ऑफ हॉस्पिटल जो मेन बिल्डिंग के जस्ट बगल में है। जब आप गेट से सामने एंट्री करें ना, गेट नंबर 1 से यही आते हैं, ये आपातकालीन बहुत बड़ी बड़ी है, एमरजेंसी एम्स। ये भाई अब हम मेन गेट पे फिर से वापस पहुंचने वाले हैं, चक्कर काटते हुए कंप्लीट एम्स को देखते हुए भी, अप्रोक्सीमेट मैन मैन चीज़ें देख डाले। बहुत सारी जगह पे देखो फोटो वगैरह इनहिबिटेड होते हैं, आप मतलब नहीं खींच सकते हैं, अलाउड नहीं है, करने भी नहीं चाहिए, पर जहाँ से जो मिल जाए वही मोर देन सफिशेंट होता है। ओके, ये था भाई जहाँ से स्टार्टिंग किया वहीं पर वापस आ चुके हैं। ओके, एंड गाइस सच में आई एम रियली इम्प्रेस्ड, वो कहते हैं ना, एंड साथ में ब्लेस्ड की सच में लोगों ने, जो भी यहाँ पे सिस्टर मिले उन्होंने आफ्टर माय इंट्रो दे मेक मी सो मच कंफर्टेबल एंड रियली सपोर्ट कि आप आए हैं। तो देखिए देखिएगा खूब भाई सच में गाइस, ये हमारा वही पॉइंट आ गया फिर से जहाँ मैंने मेरे लाइफ की जो फ्लिप का मेरा जो सपना था, मतलब मेरी फ्लिप यहाँ पे आके साकार हो गई है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं भाई, फ्लिप वाज रियली स्टार साकार आई रियली, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट हेम्स दिल्ली, ये बात काफ़ी शानदार, एक बार थोड़ा अजीब सा लग रहा था भाई, पर उसके बाद जैसे ही कम्फर्टेबिलिटी आई तो रियली काफ़ी शानदार भाई, मैं शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकता, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, अभी मज़ा आ गया सच। एंड सो मच थैंक यू फॉर स्पेशली एनाटॉमी डिपार्टमेंट, एंड दे मेक मी सो मच कम्फर्टेबल सच, एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, एंड दिस वाज ऑल अबाउट आवर एम्स। अब हम कुछ और देखने चले, ठीक है तो इसमें यहीं तक था, इतना सा ही, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, एंजॉय, और हाँ अपने सपनों को साकार कीजिए, वह एम्स दिल्ली भैया ले लीजिए एडमिशन, इतने हिम्मत हो तो आ रही, अच्छी खासी मेहनत कीजिए, बोलते बेस्ट, जय माता दी, किसी को नहीं दिखाएंगे। अब हम लॉर्ड्स टेंपल देखने जा रहे हैं दिल्ली में, देखते हैं क्या सिनेरियो, क्या सीन रहता है वहाँ का, तो कीप वेटिंग एंड जस्ट एंजॉयिंग द वे।